Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. घटना यूपी के फिरोजाबाद जनपद की है, जहां एक रोडवेज बस चालक पर बाइक सवारों ने गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस चालक का कार सवारों को साइड न देने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते कार सवारों ने बाइक सवार अपने साथियों से कहकर बस को रुकवा लिया और बस चालक को नीचे उतार जमकर पीटा, जिसके बाद गोली चला दी। गोली बस चालक की पीठ को छूते हुए निकल गई। रोडवेज बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और उसके ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, जिससे वो इंजर्ड हो गया था। रोडवेज के जो का बस ड्राइवर था, उससे जब बातचीत की गई तो उसने पूरी बात ये बताई कि वो अपनी गाड़ी रोडवेज की गुड़गांव से लेकर कानपुर जा रहा था कि रास्ते में एक स्विफ्ट डिजायर जो उसके पीछे आ रही थी, उसका कहना है कि उसको साइड नहीं मैं दे पा रहा था क्योंकि आगे सड़क पे जगह नहीं थी, और उसने फिर उसके साथ मारपीट की, बस रोडवेज की बस को रुकवा के उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग में उसको चोटें आई है। इसमें पुलिस ने तत्परता बरतते हुए वहाँ पे, चूँकि सीसी कैमरे भी लगे थे, गाड़ी के नंबर आ गए थे, गाड़ी के नंबर के आधार पे गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कुल इस झगड़े में 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिसमें 3 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस घायल बस चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम हमलावरों की तलाश में जुट गई। एसएसपी और एसएसपी ग्रामीण द्वारा एसएसपी और क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज डॉक्टर इराज राजा आईपीएस को घटना के जल्द खुलासा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस ने चंद घंटों में एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के आला अधिकारियों के सामने रख दिया। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपी लाखन से एक देसी तमंचा 315 बोर का बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। We'll be right back.